अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, देखो बेटा एक्सरसाइज 2.7 हम कल वाला ये टॉपिक फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स दोहरा रहे हैं। 2.7 है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कल किया था 0.4 हाँ डिवाइड बाय 2, तो 4 बाय 10 डिवाइड बाय 2 बाय 1, यस 4 बाय 10 हाँ मल्टीप्लाई, जो ये इधर है डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे, 1 बाय 2 लिखेंगे उल्टा, इसका रेसिप्रोकल कल भी बताया था 2 बाय 10 हाँ, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। इसी तरह दूसरा पार्ट भी दिखाया था हाँ, इधर पॉइंट के इस साइड में दो डिजिट्स है तो 100 आएगा, डिवाइड बाय 5, 5 को 1 से नीचे लिखेंगे डिवाइड बाय, तो 35 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 बाय 5, ये 7 फिर करेंगे 5 1000 5 7000 7 1000 7 डिवाइड बाय 100, तो दो डिजिट्स ढूंढेंगे, शाबाश। तो इसी तरह एक और है, गुड, ये वाला पार्ट भी आपने कल देखा है, यस डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1, यस 4 1000 4 6000 4 2000 62 डिवाइड बाई 100। ये कल का सबक था आपको, देखो वेरी गुड, ये कल वाला सबक था हाँ, कल वाले वीडियो में भी इसको देखना, मैं आज इसको फिर दिखा रहा हूँ। देखो 0.05 डिवाइड बाई 5, यस 5 बाई 100 क्योंकि दो डिजिट्स हैं, 1 बाई 5, फिर 8 बाई 500 है तो 8 को 500 से डिवाइड करेंगे, यस 5 पहले इधर पॉइंट डालेंगे, यस फिर आएगा नीचे एक जीरो, फिर एक और जीरो ऊपर बढ़ाएंगे नीचे एक और जीरो आएगा, तो 500 को 800 को 500 से हम डिवीजन करेंगे 1000, यस फिर 6000, यस 3000। तो इसी तरह एक और पार्ट है, देखो बेटा आजकल आज हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आज कौन सी तारीख है, आज 8 तारीख है, तो हम एक क्वेश्चन और बढ़ाते हैं इसमें अपने सबक में। देखो 4.8 डिवाइड बाई 10, आपको प्रीवियस सबक जहन में लाओ, प्रीवियस एक्सरसाइज, वहाँ जब होता था मल्टीप्लाई बाई 10 तो क्या करते थे, इधर राइट साइड में पॉइंट एक डिजिट मूव करता था, आज डिवीजन है उसका उल्टा, तो लेफ्ट साइड में पॉइंट एक डिजिट मूव करेगा। देखो अगर डिवाइड बाई 10 इधर है तो पॉइंट एक इस साइड में जाएगा, 0.48, तो जीरो लिखते हैं इधर, विजिबल बनता है हमारा सवाल, इसे सजता है हाँ, ये पॉइंट विजिबल इसे बनता है, जीरो इधर लिखेंगे लेकिन इस जीरो का वैल्यू ही नहीं है, यस 52.5 डिवाइड बाई 10, शाबाश, पॉइंट इस साइड में लेफ्ट साइड में एक डिजिट चढ़ेगा, देखो इधर भी है पॉइंट इधर चढ़ेगा, तो इधर कुछ नहीं था 7 के इस साइड में डिजिट, तो मैंने जीरो बढ़ाया, डिवाइड बाई 10 था हाँ। अब आप याद रखोगे जब 100 से होगा, इसमें एक पार्ट 100 का है तो दो डिजिट से मूव करेगा, देखो इधर 10 से है तो जीरो बढ़ाया, तो ये बहुत ईजी है, ये मेंटल मैथ है, तो देखो 100 से आप दूसरे सवाल में है, यस तो दो डिजिट मूव करेगा, यस आप प्रैक्टिस करो, रफ उठाओ और करो, सिर्फ देखो ही नहीं हाँ, याद भी मत करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो, उठो और लिखो इसको, रफ खर्चाओ, कागज उठाओ और करो, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को करो, यहाँ 1000 से डिवीजन है, ये आपको खुद करना है, तो जब 1000 से डिवीजन करोगे तो तीन डिजिट से मूव हो जाएगा। देखो एक पार्ट में दिखाऊंगा इस सवाल का, क्वेश्चन नंबर 4 का फाइंड हाँ 7.9 इंटू नहीं डिवाइड बाय 1000, तो क्या लिखेंगे, ये 7 9 पॉइंट इधर था, तीन डिजिट्स मूव करने हैं, 1 2 और 3 इधर पॉइंट डालेंगे, आंसर आ गया इसका हाँ। तो इसी तरह आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 वाला भी करना है, तो उम्मीद है आप आज क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को दोहराएंगे, पेज नंबर है 66 आपकी बुक का, मुझे पूरी उम्मीद है आप इस 2-3 सवालों को 4 सवालों को गौर से देखोगे, पढ़ोगे, लिखोगे और मेहनत करोगे, मैथमेटिक्स इज डन, ये मैथमेटिक्स याद नहीं करना होता है, ये कागज पर करना होता है, कलम से पेंसिल से, और रफ खर्चाना होता है, इसको बार बार करना होता है, और बेटा टेबल याद करो, थैंक यू वेरी मच।